देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस क्यू, ये दिया हुआ है, तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो हम लोग पहले सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ले लेते हैं। तो अल्फा बीट और बीटा जीरोज है, तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ एक्स का कोफिशियंट और बाई में आपका एक्स स्क्वायर का, यानी यहाँ अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा सम ऑफ जीरोज जो होगा पी के इक्वल हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करते हैं, आपका यह कॉन्स्टेंट बाई में एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यानी क्यू बाई वन, यानी अल्फा इंटू बीटा जो होगा, अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो क्यू हो जाएगा। ठीक है, सम ऑफ जीरोज पी हो गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्यू हो गया। हमें इसका एल एच एस लेते हैं। एल एच एस में आपका क्या है, अल्फा स्क्वायर बाई में बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई में अल्फा स्क्वायर। आप एलसीएम ले लो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसमें से डिवाइड करेंगे बीटा स्क्वायर कट जाएगा, अल्फा स्क्वायर जाके इसमें इंटू करेगा तो अल्फा का पावर फोर, प्लस इसमें से डिवाइड करेंगे अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, बीटा का स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो बीटा का पावर फोर आ जाएगा ऊपर। ठीक है, बीटा का पावर फोर हो जाएगा। अब देखिए इसे आगे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के फॉर्म में चेंज करना होगा, तो ऊपर अल्फा के स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस बीटा के स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे हम लोग अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं। ऊपर हम फार्मूला लगाते हैं यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। हमने इसको ए माना और इसको बी माना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म लगाया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, और बाई में है आपका अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। समझ रहे ना बात को, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो आप देखो इसके जगह फिर फॉर्मूला हमें लगाना होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का टू अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह, और फिर इसका होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, और बाई में आपका अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। समझे, चलिए आगे आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पी और क्यू है, अल्फा प्लस बीटा पी है, अल्फा इंटू बीटा क्यू है। तो अंदर देखिए क्या हो जाएगा, इसके जगह पी आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे स्क्वायर है, स्क्वायर दे देंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्यू हो जाएगा, इसका हमें यहाँ पे स्क्वायर करना होगा, माइनस इसका वैल्यू क्यू है तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो, और नीचे भी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। समझे ना, चलिए अब ऊपर यहाँ सॉल्व कर देते हैं माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो पी के स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, और फिर माइनस टू पी स्क्वायर इंटू में टू क्यू, ठीक है, माइनस का टू ए बी के फॉर्म में, और प्लस का यहाँ पर टू क्यू का स्क्वायर, और फिर आपका माइनस टू क्यू स्क्वायर, और बाई में आपका क्यू स्क्वायर। समझ गया ना बात को, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर, यहाँ प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ये टू ए बी, समझे ना। चलिए तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे p का पावर फोर माइनस टू, टू या फोर कर दूँ, पी स्क्वायर क्यू, और यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर क्यू स्क्वायर और माइनस का टू क्यू स्क्वायर, और बाई में आपका क्यू का स्क्वायर। चलिए यहाँ p का पावर फोर और माइनस फोर पी स्क्वायर क्यू और प्लस का टू क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट हो गया और बाई में आपका क्यू स्क्वायर। अब चलिए अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा पी का पावर फोर बाई क्यू स्क्वायर माइनस फोर पी स्क्वायर क्यू और बाई में क्यू स्क्वायर और प्लस का टू क्यू स्क्वायर बाई में क्यू स्क्वायर। ये आपका क्यू स्क्वायर गया, एक क्यू से एक क्यू यहाँ कट जाएगा, तो पी का पावर फोर बाई क्यू स्क्वायर माइनस फोर पी स्क्वायर बाई क्यू और प्लस का टू, यही ना था आपके आर एच एस में, हमने ये आर एच एस ला दिया। समझ गए, हमें यही प्रूव करके दिखाना था, हमने प्रूव करके दिखा दिया। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आए क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रवि कांत सर, भारती भवन रवि कांत सर, और तीसरा चैनल है आपके रवि कांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in,
और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कॉमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।